ABPS न्यूज। आगे बढ़ते हुए ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा में स्थित बोरनपुर मजराकुरी गांव में पहुंचा। लगभग 5500 की आबादी वाले इस गांव की दूरी जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 25 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में इस गांव के प्रधान सुरेंद्र सिंह हैं। लगभग 1650 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर गांव में आने वाले लाभों की करें तो ग्राम प्रधान द्वारा सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मुहैया कराया जा रहा है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल में 175 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी है। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था के लिए 100 विद्युत पोल तथा 5 विद्युत ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड शौचालय का भी निर्माण कराया है। बड़बरा मजराकोरी में बात कर रहा हूँ, सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है और सरकार हमारी ठीक कर रही है, लेकिन हमारी जितनी उम्मीदें हैं उसके अनुसार कमी हमें लग रही है और लोगों को भी लग रही है, ग्रामवासियों को, क्योंकि हमें जैसा शुरू में बताया गया कि बहुत विकास के लिए काफ़ी धन मुहैया होगा, वो धन तो हमें मिल रहा है पर जितना हमें ज़रूरत के अनुसार नहीं मिल पा रहा, जिससे हम पूरा विकास समुचित कर सकें, क्योंकि गाँवों में पेयजल व्यवस्था है वो हमें हेडपम्पों का कोई हमें जो है अधिकार नहीं है नया लगवाने का या कुछ कराने का, पब्लिक हमारे सिर पड़ती है कि आप करवाओ करवाओ, वो हम कर नहीं सकते। रिबोर के लिए भी हमें सीमा है, ज़्यादा करा नहीं सकते। और उसके बाद हमारे पंचायत भवन है, शमशान है, इसके लिए हमें मुहैया हो। नाले हैं जहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था कर दी जाए। गाँव में सबसे पहली, गाँव को स्वच्छ रखने की सबसे पहली श्रेणी यही है कि पानी की कहीं निकासी की व्यवस्था हो। मैंने आधे गाँव का पानी करीब अपने खेत में ही नाला लेकर बनवा कर रास्ता ठीक करने की वजह से अपने खेत में पानी ले रखा, अपनी फसल में। आज भी आप चाहें कोई भी देख सकते हैं जाकर के। प्राइमरी स्कूल में को पानी जाता था, मैंने वहां से बंद करा के अपने खेत में पानी लिया। प्राइमरी स्कूल में मैंने पानी जाना अच्छा नहीं समझा और मैं अब सरकार से यही उम्मीद करूंगा कि हम प्रधानों को कम से कम हमारे दुख दर्दों को भी समझें। हमसे तो कहा जाता है कि पब्लिक के दुख दर्द को समझो, हम पब्लिक के दुख दर्द समझने के लिए हैं तो हमारे दुख दर्द समझने के लिए सरकार है। हम सरकार से कह सकते हैं कि हमारे दुख दर्दों को का मतलब ये है कि हमें सीमा में तो बांधा जाता है, मगर वो सीमा ठीक है बांधना, नहीं तो आदमी गलत सलत काम भी करेगा, मगर उसके लिए कम से कम हमें इतना तो कर दिया जाए कि हमें पैसा इतना ना छोटा ना दिया जाए जिससे हम कुछ कर ही ना सकें। उसमें कितना काम होता है, महंगाई का आजकल दौर है और जो हम आता है हम विकास के लिए तैयार हैं और यही हम उम्मीद करते हैं कि हमें विकास ज़्यादा से ज़्यादा इस पंचवर्षीय योजना में हम गांव का विकास कर सकें। अपने आगे आगे वाले जाने पर हम तो अपनी जिम्मेदारी से कम निभा सकें, विकास पूरा करें। बहुत अच्छे काम करने वाले प्रधान जी,